अगर जो याचिका करता है वो कहीं ना कहीं नाराज होंगे, नाखुश होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाना सही माना है, चाहे रास्ता कोई भी पकड़ा गया हो, रास्ता गलत हो, लेकिन राष्ट्रपति के विवेक से लिए गए अधिकार को पुष्ट किया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। 370 एक अस्थाई प्रावधान था, और जो जैसा कि मैं कह रही हूं, बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल लिया है। रवि, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पंच का यही काम होता है, पंच दोनों पक्षों को सुनता है और उनके साथ न्याय करता है। तो कहीं जो गलती है उसको गलत कहना और जो सही है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने की बात लंबे समय से चल रही थी और उसका फैसला जो हुआ है केंद्र सरकार का, उसके तरीके पर सवाल विपक्ष के तमाम नेता उठा रहे थे, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे एनसी के हो, चाहे पीडीपी के हो, कि जिस तरीके से इसको हटाया गया उसको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा था। उसको कोर्ट ने माना है कि ये तरीका गलत था, लेकिन कोर्ट ने यह भी मान लिया है कि जो फैसला लिया गया है, जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी दी है, राष्ट्रपति की मुहर लगी है, वो बिल्कुल जायज है और बिल्कुल सही है। आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता था और उसको अगर राष्ट्रपति ने हटाया है तो कोई गलत फैसला नहीं किया है, ये कोर्ट ने मान लिया। रवि, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के स्टेटस पर भी बताइए, क्या कुछ टिप्पणी की जा रही है कोर्ट की तरफ से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये भी एक बड़ी मांग है, इसमें हो सकता है कि याचिकाकर्ता के लिए कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट फेवर में दे। नहीं, अभी तक देखिए फैसला उस पक्ष में आया नहीं है, अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि उस मामले पर क्या हुआ। दो राज्यों में जो बांटा गया है, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को अलग एक यूनियन टेरिटरी किया गया है, और जम्मू कश्मीर को, उसको लेकर फाइनल फैसला नहीं आया है। चर्चा हो सकता है कोर्ट थोड़ी देर में इस मामले पर दे, क्योंकि लंबा इशू है और लंबा चला, आप 16 दिन तक तो खाली बहस चली, 5 सितंबर को इस मामले पर पूरा रिजर्व रखा गया इस फैसले को। तो अगर फैसला पढ़ा जा रहा है और देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है फैसला, आज 1-2 साल का नहीं है, 75 साल का इतिहास है इसके पीछे, जिसके पीछे लड़ाई एक तरफ भाजपा लड़ती रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस उसमें बचाव करती रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक विन-विन सिचुएशन है, कि कांग्रेस पार्टी बार-बार ये आरोप लगा रही कि जिस तरह से इसको हटाया गया, लेकिन जरा इसको भी समझाइएगा कि अगर आर्टिकल 367 जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, यदि उसको आधार बनाते हुए यह माना गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे अधिकार विधानसभा को आ गए और विधानसभा चूंकि नहीं थी, सस्पेंडेड एनिमेशन में थी, इसलिए केंद्र सरकार के पास आ गए, ये जो गलियारा है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर उंगली उठा रहा है, इसको गलत करार दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू का दरवाजा खुला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये हो सकता है, ये जुडिशियल रिव्यू का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है हमारी जानकारी में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जल्द से जल्द वहां चुनाव कराए जाएं। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का मतलब यह है कि अब यूनियन टेरिटरी वाली जो बात आप कह रहे हैं उसको कहीं ना कहीं खारिज किया जा रहा है। अब उस मामले पर ज्यादा बहस नहीं होनी है कि अब लद्दाख को फिर से शामिल किया जाना है। देखिए रवि, उसके लिए तो सरकार ने पहले ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश कर दिया इसी शीत सत्र में, और मुझे लगता है इस फैसले से ठीक पहले ये संशोधन बिल लाना ही सरकार ने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया था कि इसको राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। रवि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सरकार ने कहा था और अमित शाह ने जब आर्टिकल 370 को हटाने के बाद के समय जो कानून पर चर्चा हुई थी, बिल पर चर्चा हुई थी, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि जल्द ही, हालांकि समय मांगा था विपक्ष के लोगों ने कि समय बताइए कितने दिन में, उन्होंने कहा कि जब समान स्थिति होगी, जब स्थिति ठीक लगेगी, तब चुनाव कराया जाएगा और उसका एक प्रोसेस है। देखिए डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस कराया जा रहा था, पूरा डिलिमिटेशन। मैं रोकना चाहूंगा आपको रवि त्रिपाठी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराएं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जल्द चुनाव कराने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है जम्मू कश्मीर में, और जिस समय अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब भी कहा गया था कि जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है वो अस्थाई है, चुनाव के लिए जैसे ही माहौल होंगे तब चुनाव कराया जाएगा, लेकिन अभी तक चूंकि चुनाव नहीं हुए, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी आई शुभना, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है रवि त्रिपाठी, लेकिन फिर यानी 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ये चुनाव कराने के लिए अब चुनाव आयोग बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने टाइम लंबा दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ कराया जाए, क्योंकि सरकार को ये सूट करता है। देखिए जम्मू कश्मीर 370 एक बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, तो बार बार वो बताना चाहेगी कि हमने आर्टिकल 370 हटाया है और उसका फायदा लेना चाहिए। हो सकता है कि जम्मू में उसको फायदा हो, कश्मीर में बीजेपी को फायदा ना हो, लेकिन पूरे देश में इसका फायदा हो। तो ये अंदर खाने एक चर्चा है कि सरकार चाहेगी कि साथ साथ चुनाव हो, तो राम मंदिर के मुद्दे का उसको
फायदा हो, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, 22 तारीख को उसका जीर्णोद्धार होगा। आर्टिकल 370 जो बड़ा मुद्दा है, जो वो क्रेडिट लेते हैं उसका मुद्दा अगर फायदा उठाना है तो सरकार अगर चुनाव में रहेगा जम्मू कश्मीर, बस अब समान आचार संहिता ही बची है बीजेपी के पास। रवि अब लेके कुल मिलाकर समान आचार संहिता ही बची है। लेकिन मैं जल्दी से देखिए फैसले के पॉइंट्स बता देती हूँ। केंद्र सरकार का 370 हटाने का फैसला सही है, 370